गाइज वेलकम टू माय चैनल लीबी रॉक सीम। यहाँ पर इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग का मैच हो रहा है स्वीडन वर्सेस अल्बानिया के बीच 11:30 बजे। एंड बात करें भाई, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो बड़ा जैकपॉट मैच है भाई, क्योंकि एक तरफा मैच है। सब जानते हैं कि स्वीडन टीम कितनी दमदार है और स्वीडन टीम यूरोप लीग के अंदर काफ़ी अच्छे मतलब पोजिशन पर रहती है, अपने से छोटी टीमों को तो यूं ही हरा देती है। देखो बड़ी टीम्स मत गिनो, जैसे फ्रांस जर्मनी हो गई, तो उनके सामने तो देखो ये टीम घुटने टेकेगी, लेकिन जैसे छोटी टीम है ना कोई, अगर सामने नॉर्वे भी है तो उनको भी टक्कर देना जानती है, भले ही हार क्यों ना जाए लेकिन टक्कर देती है। इसलिए मैं स्वीडन के साथ हूँ। और अल्बानिया टीम के तो देखो हालात बुरे चल रहे हैं, अल्बानिया टीम गोल करती भी है तो हारती है, और कहीं मोस्टली टाइम तो गोल करती ही नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा उन पर ट्रस्ट नहीं है, मेरे को स्वीडन पर पूरा ट्रस्ट है। तो आपको स्टैट्स की ओर लेके चलते हैं। देखिए स्वीडन और अल्बानिया, स्वीडन एक सिंगल साइडेड यहाँ पर मैच वॉन करने को देखेगी। 2-3-4-10 मेंबर कॉन्टेस्ट आप लोगों ने खेलने, और सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की बात करूँ, सबसे पहला है इशाक। देखिए ए इशाक का डोमेस्टिक लेवल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा डिसेंट चल रहा है। जब तक ये बंदा स्पेनिश लीग में था वहाँ पर इसने खूब गोल किए, मतलब आप ये लगा लो हर मैच में। फिर जैसे ये ऑटोमेटिकली जब ये टीम जब चेंज हुई तो ये प्रीमियर लीग में आया, तो प्रीमियर लीग में इसका गोल रेशियो शुरू में अच्छा था, बाद में ना डाउन होता गया। तो अब मेरे को मतलब मैं अब कुछ नहीं कह सकता कि कुछ करेगा आगे कि नहीं, क्योंकि अभी मैं जज नहीं कर सकता, ना मैं इसको बेकार बोल सकता हूँ ना ज़्यादा अच्छा, ये मेरे को एवरेज लगने लग गया है। उसके बाद वी गियो कैरस हमेशा से ना छोटी लीग्स में अच्छा प्रदर्शन करता है, मतलब देखो जिस लीग में वो खेलता है उस लीग की इतनी ज़्यादा पूछ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। जो पुराने फुटबॉल फैंटेसी खेल रहे हैं उनको पता होगा कि गियो कैरस कौन है, ठीक है, डेफिनेटली आप जानते होंगे। इसलिए गियो कैरस ना वो चीज़ बहुत अच्छी है गियो कैरस की, कि ये छोटी लीग्स में इतना अच्छा कर रहा है। तो जैसे आज छोटी टीम है सामने अल्बानिया, तो मुझे शक है कि गियो कैरस वहाँ पर कम से कम आपको ज़्यादा ना सही तो 2 गोल तो करने चाहिए भाई, एक तो करना चाहिए, एक से कम क्या ही करेगा। उसके बाद डी कुलुसेवस्की जो कि डोमेस्टिक लेवल ज़बरदस्त खेल रहा है, और ऐसा लगता नहीं था ये बंदा हॉटस्पुर में चल पाएगा, जब से इसने इटालियन टीम छोड़ी थी मुझे लगा था प्रीमियर लीग में डाउन पड़ेगा, नहीं पड़ा, बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद इलांगा को लेंगे, ए इलांगा भी यहाँ पर डेफिनेटली गुड प्लेयर है, इलांगा का गेम प्ले भी बहुत ज़बरदस्त है, और गेम प्ले में देख के मैं खुद हैरान हूँ भाई इस बंदे का, क्योंकि डेफिनेटली इलांगा इतना बहुत अच्छा खेल रहा है। इलांगा डोमेस्टिक लेवल के अंदर छोटी टीम से खेलता है प्रीमियर लीग में, तो ज़्यादा गोल बेचारे से हो नहीं पाते, लेकिन ये अपनी हद तक भाई पूरे सीज़न में अभी भी 5 गोल कर चुका है, तो इंटरनेशनल में एक अच्छी उम्मीद है। उसके बाद नीचे से बात करें एस किग्लेशी और टी सेफेरी, 2 स्ट्राइकर हैं लेकिन एक ले पाओगे, क्योंकि 2 स्ट्राइकर आपने स्वीडन के लेने हैं, इसलिए किग्लेशी और सेफेरी। अच्छा रिकॉर्ड वैसे सेफेरी का है, लेकिन स्मॉल लीग में भाई किसी में दम नहीं होगा जो किग्लेशी की जगह इसको ले, बहुत रिस्की मामला हो जाएगा, इसलिए मैं ना किग्लेशी के साथ जाऊँगा। सेफेरी नॉट ए मस्ट पिक फॉर स्मॉल लीग, ठीक है, जीएल वालों के लिए मस्ट पिक है, जीएल वाले चाहें तो इसे अपनी, अगर वो लोग 5-6 टीम लगाएंगे तो अपनी 2-3 टीम्स में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जी आसानी को डेफिनेटली लेना, आसानी एक मेन प्लेयर है और इसकी जगह आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, और एन बजरमी पुराना है डोमेस्टिक लेवल में, तो वहाँ पर ये बंदे का बहुत नाम है, गोल ना भी करे पॉइंट इतने दे जाएगा कि आप बोलोगे वसूल है बंदा, इसलिए मेरे को बढ़िया लगता है। बिग इंजरी की बात करें, देखिए कोई खास बिग इंजरी है नहीं, बिग इंजरियाँ अभी जो होती थी तो मैं बता देता, क्योंकि अब कोई बड़ा प्लेयर तो सारे खेल रहे हैं, तो बिग इंजरी काहे की। एंड बात करें विनिंग चांसेस की, 81% स्वीडन की और 19% अल्बानिया, वैसे ये अल्बानिया 19 भी बहुत है अल्बानिया के लिए, आपको पता है अल्बानिया टीम के यहाँ पर विनिंग चांसेस 4-5 होने चाहिए थे, वहाँ 19 हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्बानिया का 1-2 गोल आएगा, ठीक है। एंड बात करें गोल चांसेस की, 2-3 गोल करेगी स्वीडन, वैसे मैं 3 चाहता हूँ बट मिनिमम 2 तो होंगे, और 1-1/2 गोल अल्बानिया करेगी, तो ये थोड़ा रेशियो रहेगा आज के मैच का। तो बात करें आपको स्ट्राइकिंग की ओर लेके चलते हैं सीधा, तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर ए इसाक की मैं बात कर रहा था, देखो ये तो हर बंदा इसको लेगा, क्योंकि सबको पता है कि इसाक डोमेस्टिक लेवल में अच्छा कर रहा है, डिसेंट खेल रहा है, वो मौके पे चौका मार देता है, गोल कर देता है। और वी गियो कैरस की अगर बात करें, देखिए विक्टर गियो कैरस की जितनी सिलेक्शन कम उतना फ़ायदा, क्योंकि गियो कैरस अभी तक स्वीडन का मुझे सबसे सक्सेसफुल प्लेयर लगा है अभी तक, मैंने जितने भी इनके लास्ट 3-4 मैच देखे हैं, तो गियो कैरस की जितनी कम सिलेक्शन उतना फ़ायदा। ऑपोजिशन टीम की बात करें, मैंने उजूनी का नाम इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे नहीं लगता है खेलेगा, उजूनी को नहीं खिलाना चाहिए यार, ई मुकी को तो चलो तुमने डोमेस्टिक में भेजा हुआ था, इस पर मुझे डाउट है, अगर ये उजूनी को भेजते हैं तो ये बेवकूफ़ है, बिल्कुल बेवकूफ़ है भाई, उजूनी की जगह पर इनको बताऊँ किसे भेजना चाहिए, इनको भेजना चाहिए टी सफेरी को, इनको भेजना चाहिए एस किग्लेशी को, तो मैं अभी एस किग्लेशी के साथ जाऊँगा, सफेरी को अभी श्योर नहीं, मैंने आपको बोला ना एक ही प्लेयर ले सकते हो, या सफेरी या किग्लेशी। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, डी कुलुसेवस्की इज़ अ गुड प्लेयर, बहुत दमदार, बहुत,
और एलांगा, एलांगा एक्चुअली एक की प्लेयर है, अगर गोल नहीं भी करेगा तो मुझे दुख नहीं है क्योंकि मुझे उस पर उतना भी ट्रस्ट नहीं है, जस्ट मैं टीम में ले रहा हूँ एक प्लेयर के तौर पे और नॉर्मल से। उसके बाद क्यू लैकी मेरे को पसंद नहीं इतना क्योंकि उसका गेम प्ले अच्छा नहीं, तो मैं जी आसानी के साथ जाऊँगा और एन बजरमी को लूँगा। मेरे जितने प्लेयर हैं सारे ही की प्लेयर हैं भाई, आज के मैच में तो लगभग 3-4 की प्लेयर तो ले चुका हूँ मैं। आप देखो ना, एक एस की क्लैशी ले लिया, गियो गैरस ले लिया, बजरामी ले लिया, सानी ले लिया, इतने की प्लेयर तो भर ली टीम। हाँ एक प्लेयर है ई फोर्सबर्ग, बड़ा अच्छा है स्वीडन का, ये डोमेस्टिक लेवल बंडेसलीगा लीग में खेलता है, बड़ा दमदार प्लेयर है, तो ये खेले तो ज़रूर लेना, 100% लेना, किसी को भी छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, लेकिन इसको मत छोड़ना। फोर्सबर्ग सीधा गोल ही करता है एंड डेफिनेटली जेन्युइन प्लेयर है। और बात करें गोल डिफेंडिंग की, तो वी लिंडलॉफ, विक्टर लिंडलॉफ का डोमेस्टिक रिकॉर्ड की तो धज्जियाँ खुल रखी हैं भाई। विक्टर लिंडलॉफ फ्लॉप प्लेयर, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है ये। मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है कभी तो बिल्कुल बेकार खेलता है, देखते हैं क्या होता है। और हॉलम अच्छा है, हॉलम सेकेंड डिफेंडिंग कर रहा है। ऑगस्टिनसन की जगह ना मैं चाहता हूँ कि ना किसी अन्य प्लेयर को चांस दें, मैं चाहता हूँ किसी ऐसे प्लेयर को चांस मिले जिस बेचारे को मिला ही नहीं चांस, क्योंकि मेरा माना है स्टारफेल्ड को भेजे, क्योंकि ना जिसका नाम है ना मैंने देखा वो कुछ नहीं कर रहा। अब हमें पता है कि ऑगस्टिनसन बंडेसलीगा लीग में खेलता है बट दम नहीं है वो वाला जो इसमें होगा, तो मैं स्टारफेल्ड के साथ हूँ। एंड बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, टी एथरोक्शा डोमेस्टिक लेवल का मेन प्लेयर और ऑल्सन भी मेन प्लेयर, दोनों साइड बड़े अच्छे अच्छे गोलकीपर्स है, तो मज़ा आने वाला है। एंड बात करें कैप्टन की, तो लोगों ने एलांगा को कैप्टन पता है क्यों रखा है, क्योंकि उन्होंने देख रहे हैं, उनको दिख रहे हैं 83 पॉइंट्स, लेकिन मेरे जैसा बंदा पॉइंट नहीं देखता ना सिलेक्शन देखता है। मैं रखूँगा गियो गैरस को, वाइस कैप्टन इशाक को। आप इस कॉम्बिनेशन को सेफ रखने के लिए आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बाकी देख लेना आपने जो करना है। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।